होके कितना टाइम हुआ अभी? हाँ, एक साल, एक साल पहले ग्लव्स था। आप श्वास ले सकते हैं? हाँ, एक तो चालू है और एक बंद है, दूसरा बंद है। मुंह से सांस लेता हूँ। मुंह से श्वास लेते हो? आंख बंद कीजिए। ठीक है, ठीक है, सब जगह थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है ना, ये नाक में आपको हड्डी लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा निकाल सकते हैं, इस पे बाल लगेगा, यहाँ पे बाल लगेगा, ये पूरा इन्होंने पता नहीं कहाँ से काट करके चमड़ी लगाया है, वो पूरा मोटा मोटा हुआ है। नहीं, वहाँ से यहाँ लगाया है, ये कहीं और से लगाया हुआ है। ये तो नहीं है, पहले से ऐसे ही है। हाँ, जो जल गया ना, उसके बाद से इतना हार्ड हो गया। ये भी हार्ड है, ये भी सर्जरी हुआ था रायपुर में, ये वाला। हाँ हाँ, ये फेल हो गया सर्जरी, कार्डन कराया था रायपुर में, लेकिन सही नहीं आ पाया। हाँ, तो ये भी जितना होता है ये सब करेंगे सही, फिर बाद में यहाँ पे थोड़ा हेयर लगा सकते हैं। ये शेप तो नहीं है अच्छा आपका, इसका भी थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा गैप है। ठीक है, एक होल तो है, उसको रहने दो। ये आपका आँख थोड़ा रेडी करते हैं, क्योंकि आपका आँख भी पूरा, ये आँख नहीं दिखता मेरा पता। हाँ, वो जो नहीं दिखता वो नहीं कर सकते मैं सही, जो दिखता है वो शेप पूरा रेडी कर सकते। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होगा यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे हड्डी, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट। वैसे आपको सच में नाक के लिए फोरहेड फ्लैप लेके लगाना था, लेकिन इन्होंने कहीं और फ्लैप लगाया, तो अभी हम इसको मतलब पूरी तरह से हटाएंगे नहीं, इसी को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करेंगे। हटाने से आपको एक और बार यहाँ से बड़ा सर्जरी करना पड़ेगा, तो उसके वजह से ये रहने दीजिए, वी लेट इट रिमेन, लेकिन यहाँ पे जितना होगा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। आपको 7 से 10 दिन तक रहना पड़ेगा यहाँ सर्जरी कराएंगे, तो हड्डी निकालना पड़ेगा, रिब, और फिर ये थोड़ा शेप वेप होगा। बहुत बढ़िया नहीं होगा, लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा काफ़ी। पहले जैसे नहीं होगा? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ये आपका जो सर्जरी किया है ये सब इतना ढंग से नहीं कराया ये लोग, जो भी करा अच्छा नहीं किया ना, इसलिए तो यहाँ आए। तो इसलिए जितना होगा इम्प्रूवमेंट कर देंगे, और अगर 6 महीने के बाद वापस आप आओगे और इम्प्रूवमेंट होगा। एक ही बार तो पूरा नहीं हो पाएगा आपको, क्योंकि बिकॉज बहुत स्कार है, बहुत जगह पे सर्जरी की है, ब्लड वेसल्स देखना पड़ेगा, बर्न्स था इसके वजह से, लेकिन हर सर्जरी में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा बहुत, इतना गारंटी है। इसमें सर कितना लगभग खर्चा जाएगा? वो आप मैनेजर से पूछिए, जो भी सर्जरी का प्रोसीजर है हम आपको लिख देंगे चार्ट में, उसके अनुसार वो आपको कॉस्टिंग बताएंगे, कितना दिन आपको रहना पड़ेगा, कितना दवा खर्चा होगा, रूम का, ये वो बाकी जो भी है। ठीक है ना, माइनर प्रोसीजर तो नहीं होगा, मेजर ही होगा, क्योंकि यहाँ नाक का हड्डी भी नहीं है अभी आपको, मैं वो सब रेडी करेंगे, हो जाएगा। बोले थे लेकिन नहीं करवाया, हाँ मैं करेंगे उसको। फर्स्ट इसमें हड्डी लगाओगे? सब एक ही बार करेंगे, इसका दिखाएंगे धाग, इसमें बाल लगाएंगे, दो चार जितना हो सकता है साथ में करेंगे, नहीं तो आपको वापस 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 आते रहना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगा आपको। ट्रेन से सर रात को सोए नहीं हम, डायरेक्ट ये आ गए सुबह। थोड़ा रेस्ट लीजिए, सो दिस पेशेंट हैज हैड एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, बर्न्स ऑन द फेस,
and he's all multiple reconstructive procedures that has been tried on him earlier at a different hospital. Aapka jara haath dikhaiye. So this is the flap that they've harvested from the hand, and that's the graft they've used here. It wasn't the ideal flap, I would think, because the best flap for this would have been the Indian flap or the forehead flap or the flap that Shushruta used to do a lot. That really gives good result for nasal reconstruction along with rib. So now, since there is a tissue there, I'm going to try and adjust that, give him some kind of a dorsum. He has a patent opening or a nostril kind of, so I'm going to let that remain. And then do little scar revisions, put some mustache or some eyebrow transplants and see how better we can try to camouflage his current condition and see what best we can do. Shalom.